सुल्तानपुर में विचाराधीन कैदी की सांदिग्ध परिस्थितियों में जेल के अंदर लॉकअप में मौत हो गई। बताया जा रहा कि कैदी का शव फांसी के फंदे से लॉकअप में लटकता मिला। तो वहीं सूचना मिलते ही प्रशासनिक खेमे में हड़कंप मच गया। फिलहाल शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा गया है। तो वहीं मृतक के परिजन भी इसे हत्या बताते हुए जेल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। तो वहीं मृतक के भाई ने बयान दिया है, सुनिए बयान। क्या नाम है भाई साहब? शेखर यादव। क्या मामला रहा? मामला ये था कि जो विपिन यादव कैदी, वो मेरा भाई है, उसको यहाँ पे ले आए गए। 23 को लेके आए थे, वो ठीक ठाक था। दो दिन पहले हमसे बात हुई, वो ठीक था, कम्फर्ट जोन में था। ऐसा नहीं था कि उसको कोई दिक्कत थी, उसने हमसे बात की, नॉर्मली बात की। लेकिन 8-10 बजे फोन आता है कि उसने फांसी लगा ली और सुसाइड कर लिया। फांसी क्यों लगाई? ऐसा कोई रीजन नहीं था, क्योंकि वो हमसे बात किया, वो ठीक था। हम उससे मिलने आ रहे थे, जब हम रास्ते में थे तब हमारे पास फोन आता है जेल प्रशासन से कि वो खत्म हो गया और खुद को फांसी लगा ली। लेकिन वो फांसी का इंस्ट्रूमेंट कहाँ से आया? जेल प्रशासन क्या कर रहा था उस टाइम? जो CCTV फुटेज थी वो कहाँ थी? हम कुल मिला के जो भी घटना हुई उसमें जेल प्रशासन, जो वहाँ के लोग, जो एंटी पार्टी थी जिन्होंने उसको बताया था, वो और जेल प्रशासन विभाग ने उसको मिलके उसकी हत्या कर दी। हम चाहते हैं इसको, जो हमारा सवाल है योगी सरकार से, जो यूपी की गवर्नमेंट है, जो जेल का लॉ एंड ऑर्डर है, वो उस टाइम सो रहा था और इसकी जो भी है इसकी न्यायिक जांच की जाए, जो भी रिपोर्ट होती है बिना किसी दबाव के उसको दिया जाए कि हाँ ये रीजन था और इस कारण से उसकी डेथ हुई। हमें इंसाफ चाहिए। किस मामले को लेकर जेल में बंद? जेल में वो मारपीट कुछ ऐसा था, उनके साथ वाले जो थे इसके पहले भी। थाना कुड़वार के ग्राम जगदीशपुर निवासी राजेश कोरी पुत्र संत राम कोरी, उम्र लगभग 35 वर्ष की, आज थाना परिसर में संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हुई है। आरोप है कि राजेश कोरी अपने ही पड़ोस की एक नाबालिग लड़की को उनके परिजनों के अनुसार भगाकर ले गया था, जिसके संबंध में उसकी तलाश की गई थी और लड़की को तथा राजेश कोरी को पुलिस द्वारा कल ही बरामद किया गया था तथा उनको थाना परिसर में रखा गया था। इस संबंध में लापरवाही बरतने के आरोप में थाना प्रभारी अरविंद पांडे, उपनिरीक्षक शस्त्राजीत प्रसाद, मुख्य आरक्षी ब्रजेश कुमार सिंह और को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है और पहरे पे तैनात होमगार्ड भोलेंद्र के विरुद्ध कार्रवाई हेतु उनके जिला कमांडेंट होमगार्ड को पत्राचार किया जा रहा है।